हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये मेरे देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट है। हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया का प्लांट लगा हुआ है। मैं इसमें दो कलर का प्लांट लगाई हूँ, एक पर्पल कलर का है पिटूनिया और एक इस तरह का लाइट पिंक। आप देख सकते हैं इसका फ्लावर इस तरह का लाइट पिंक में आता है। इसमें जो है ना एक बीमारी लग गया है, आप देख सकते हैं इसका जितना भी पत्ता ये है येल्लो होकर के ये गिर जा रहा है। ये एक बीमारी है, विंटर के सीज़न में धूप नहीं होने के कारण अधिकतर किसी भी प्लांट में ये लग सकता है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको एक बार हटा दिया है काट के, या फिर यहाँ से भी मैंने हटा दिया, दोनों को पीला पीला हो गया था पूरा पत्ता इसका। जितना भी लीफ आप देख सकते हैं एकदम सूख गया पीला होकर के, ये दोनों जो है पीला होकर के सूख गया है। आप देख सकते हैं पूरा पत्ता ऐसा ख़राब हो रहा, जितना भी येलो लीफ है लीफ उसको हटा दीजिए। अगर इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये पूरा प्लांट मर जाएगा, ये भी मर जाएगा और इसके साथ साथ में इसमें भी ये फंगस जो है इसमें भी लग जाएगा और ये भी प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही गमला में है, दोनों एक साथ टच में है। अब इसको क्या करें, इसको जितना भी ख़राब है डाल उसको अच्छे से निकाल दें। देख सकते हैं ये जो सूखे पत्ते सूखे जो ब्रांच हो गए, ये जो ख़राब हो गया था इसमें फंगस लगा हुआ था इसको हटा दिए। देखिए, फंगस के कारण यहाँ से ये लीफ फ्लावर भी पूरा नहीं खिल पाया, फ्लावर खिल ही नहीं पाया है, कली बन करके ये गिर गया है। अगर इसमें हम कोई उपाय नहीं करेंगे तो जो प्लांट मेरा पूरा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा, इसके साथ साथ ये भी ख़राब हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये एक लीटर का पानी है, देख सकते हैं एक लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। एक लीटर पानी में एक चम्मच, एक लीटर पानी में ये एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर इसमें डाल देना है। फंगीसाइड पाउडर को डाल करके इसको अच्छे से बंद करके डालने के बाद ये पूरे प्लांट को ऊपर से नीचे ऐसे करके अच्छे से डाल दें, पूरा प्लांट एकदम कहीं भी इसका खाली ना रहे, इसके जड़ में भी और इसमें भी डाल देना है, क्योंकि हो सकता है इसका भी फंगस इसमें भी लग जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर इसमें भी डाल देना है। और ये आपको काम जब धूप निकले तभी करना है, धूप ना हो तो ना करें। देखिए, इसमें छोटे छोटे से ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ओके मैं दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लैक कलर का, साथ में आपको दिखा पा रही होंगे, ये देख सकते हैं पत्ते लीफ पर जो है ब्लैक ब्लैक डॉट हो गया है, ये भी एक फंगस लग रहा है। हमारे यहाँ धूप जो है एकदम नहीं हो पा रहा है, धूप नहीं होने के कारण आज थोड़ा धूप भी हुआ, धूप नहीं हो रहा, जितना भी इसका येल्लो लीफ है उसको हटा दे। धूप ना होने के कारण भी फंगस लगता है, ये भी ज़्यादा दिन का प्लांट भी नहीं है, इस तरह से देख सकते हैं तो पूरे अच्छे से देखिए धोने के बाद जो है ये ब्लैक वाला हट गया है। अगर आप नहीं स्प्रे कीजिएगा तो उसी तरह से लगते जाएगा, बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते पूरा प्लांट जो है ख़राब कर देगा। इसको अच्छे से ऊपर नीचे पूरा पत्ते पर जितना भी है इसको डालने के बाद आप देख सकते हैं एक छोटी चम्मच इसके मिट्टी में भी डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें, कि अगर वो मिट्टी में भी लगा हुआ होगा कीड़ा तो वो मर जाएगा। इसके पूरी मिट्टी को भी भींगा दें, इसको भींगाने के बाद आपको इसी तरह से धूप में जहाँ धूप लगे वैसे जगह पर इसको टांग देना है, या जहाँ भी रख दें आप, जहाँ धूप लगे वहाँ वहीं रखना है, बिना धूप वाले जगह पर नहीं रखना है,
ताकि इसका जितना भी पत्ता पर जो पानी है वो सूख जाए। फिर आपको 3 से 4 दिन के बाद फिर यही काम करना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बवेस्टिन जो पाउडर होता है, या साफ भी आप डाल सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक होता है उसको डाल के 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के अच्छे से घोल करके आप पूरे प्लांट को फिर से आपको डाल देना। पूरे प्लांट पर जितना भी इसका पत्ता होता है आगे पीछे सब है उसमें डाल दो। फिर पानी में भी हाफ चम्मच ले करके इसकी मिट्टी में, इसकी पूरी मिट्टी में 1/2 चम्मच ले करके इस तरह से मिला दें। देख सकते हैं इस तरह से मिला दें, ऊपर नीचे कर दें और इसको फिर धूप में ही छोड़ दें ताकि इसके जितने भी पत्ते पर के जो पानी है वो हट जाए। उसके बाद 2 बार ही करने पर ये पूरा प्लांट आपका अच्छा हो जाएगा। फिर आप जहाँ पर इसको टांगना चाहते हैं, जहाँ भी आप इसको हैंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऐसे भी पिटूनिया या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को थोड़ी तो धूप लगनी चाहिए, धूप लगेगा तभी फ्लावर खिलेगा। और जो भी इस पर जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, हमारे यहाँ धूप नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा है। अगर धूप होने लगेगा तो फिर इस तरह का फंगस नहीं लगेगा। और हर 7-7 दिन पर 8 दिन पर जैसे मैं सब पर फंगिसाइड पाउडर यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक जो भी होता है इस पर भी मैं अप्लाई करती रहूँगी। देख सकते हैं अब कहीं भी देखिए ब्लैक वाला जो था वो हट गया है। आप देख सकते हैं ब्लैक जो लगा हुआ था वो हट गया है। फिर मैं 4 दिन के बाद इस तरह से करने के बाद फिर इसमें फंगस नहीं लगेगा और ये प्लांट फिर हेल्दी हो जाएगा और बहुत सारा खूब सारा फ्लावर देगा। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।